तो अगर आप इंटरनेट के ज़रिए वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ वेबसाइट का जो URL होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए www.aiocomputerjohn.com, किसी किसी में .in होता है, तो किसी किसी में .org होता है, किसी किसी में .net होता है, किसी किसी में .gov होता है, किसी किसी में .info होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो .com है, .in है, .net है, .info है, इसका पूरा फंडा क्या है आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो .in होता है, .com होता है, .net होता है, .info होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को डोमेन नेम के बारे में बताती हूँ। जब हम कोई भी वेबसाइट को बनाते हैं, तब हमें एक IP एड्रेस दिया जाता है। जब हम कोई भी वेबसाइट को बनाते हैं तब हमें एक क्या दिया जाता है? IP एड्रेस दिया जाता है, जो कि उस वेबसाइट की पहचान होती है। जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है? उस वेबसाइट की पहचान ही होता है। अगर हमें उस वेबसाइट तक जाना है तो सबसे पहले हमें उस वेबसाइट का IP एड्रेस को किसी भी ब्राउज़र में लिखना होगा, तभी हम उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। किसी भी वेबसाइट तक जाने के लिए क्या करना होगा? उसका जो IP एड्रेस होता है वो लिखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं? उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। मगर ये जो IP एड्रेस जो होता है वो अंकों में होता है। IP एड्रेस अंकों में होता है, वो भी चार भागों में, जिसे याद करना किसी भी इंसान के लिए बहुत कठिन होता है। वो कि अंकों में होता है, देखिए कुछ ऐसे होता है IP एड्रेस 10.241.50.241, इसे याद करना काफ़ी कठिन है। तो इसलिए IP एड्रेस के जगह पर क्या दिया गया? डोमेन नेम रखा गया। ये जो IP एड्रेस था उसके जगह पर डोमेन नेम रखा गया। ये देखिए इसे याद करना काफ़ी कठिन है, ये जल्दी याद भी नहीं होगा किसी भी इंसान को। देखिए ये जैसे 10.241.50.241, ये काफ़ी कठिन है, इसलिए IP एड्रेस के जगह पर डोमेन नेम रखा गया। किसके जगह पर? IP एड्रेस के जगह पर डोमेन नेम रखा गया, ये क्योंकि इसे याद करना भी क्या है? आसान है। डोमेन नेम को याद करना काफ़ी आसान है, कि देखिए कितना इजी डोमेन नेम होता है, .com, .in, .info, ये सब काफ़ी इजी है याद करना। लेकिन देखिए IP एड्रेस याद करना बहुत ही टफ है, 10.241.50.241, ये काफ़ी कठिन है, जल्दी किसी को भी याद नहीं होगा। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस तो एड्रेस ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, दैट मीन्स IP एड्रेस के जगह पर डोमेन नेम रखा गया, क्योंकि IP एड्रेस याद रखना काफ़ी कठिन था, इसलिए डोमेन नेम रखा गया। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा। तो डोमेन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो चलिए हम लोग सभी टाइप को समझते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो डोमेन का टाइप है वो है TLD। क्या है? TLD। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। TLD का मतलब क्या होता है? TLD का पूरा नाम टॉप लेवल डोमेन होता है। इसका प्रयोग विश्व स्तर पर सूचनाओं के लिए किया जाता है। TLD टॉप लेवल डोमेन का प्रयोग वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है, ठीक है, सूचनाओं के लिए, जैसे .com, .org, .edu, .net, .gov एंड .info, ये सब क्या है? ये सब टॉप लेवल डोमेन है, .com, .org, .edu, .net, .gov, .info, ये सारे टॉप लेवल डोमेन हैं। ये सारे कौन से डोमेन हैं? टॉप लेवल डोमेन हैं। ओके, टॉप लेवल डोमेन का प्रयोग वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। देखिए टॉप लेवल डोमेन, अब हम लोग इस डोमेन कोड का मतलब समझेंगे। जो .com है, .org है, .edu है, .net है, .gov है, .info है, ये जो डोमेन कोड है इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ये कौन सा डोमेन है? टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विश्व स्तर पर, दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखो किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .com हो,
किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम हो, जैसे AIO कंप्यूटर जोन डॉट कॉम, किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम हो, तो आपको सिंपली समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है वो कॉमर्शियल वालों के लिए है। किसके लिए? कॉमर्शियल वालों के लिए है, दैट मीन्स बिजनेस वालों के लिए है। किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम हो तो आपको समझ जाना है कि जो वेबसाइट है वो किसके लिए है? कॉमर्शियल वालों के लिए है। ओके, अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट ओ आर जी हो, क्या हो? डॉट ओ आर जी हो, तो आपको समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए है। ओके, अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट एन ए टी हो, तो आपको समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है वो नेटवर्क रिसोर्सेस वालों के लिए है। अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट जी ओ वी हो, तो आपको समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट वालों के लिए है। डॉट इन्फो है, तो आपको समझ जाना इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डोमेन कोड का मतलब। डॉट को हो तो कमर्शियल वालों के लिए है, बिजनेस वालों के लिए है, ओ आर जी हो तो ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए है, डॉट एन ई टी हो तो नेटवर्क रिसोर्सेज वालों के लिए है, डॉट जी ओ वी हो तो गवर्नमेंट वालों के लिए है। तो आपको समझ आना है। ओके, तो आपको इन सभी डोमेन कोड का मतलब समझ आ गया होगा। ये सभी जो डोमेन कोड हैं वो टॉप लेवल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। कौन से डोमेन के अंतर्गत आते हैं? टॉप लेवल डोमेन के अंतर्गत आते हैं, जो डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट ई डी यू, डॉट एन ई टी, डॉट जी ओ वी, डॉट इन्फो, ये सारे डोमेन कोड टॉप लेवल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग डोमेन के सेकेंड पार्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप है, सॉरी टाइप, तो और डोमेन का सेकेंड टाइप है वो है CCTLD। क्या है CCTLD? CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। CCTLD का मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ओके, इस तरह का डोमेन किसी एक देश को टारगेट करके बनाया जाता है। इस तरह का डोमेन किसी कंट्री को टारगेट करके बनाया जाता है। ओके, जैसे .us की .ch, .br, .ru, .fr, .nj, .uk, केवल अंत में केवल दो अक्षर हैं। देखिए, अंत में केवल कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। तो आपको समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है वो किसी कंट्री को टारगेट कर रहा है। ओके, तो देखिए, अब हम लोग डोमेन कोड का मतलब को समझते हैं। इन हो, डॉट इन हो तो आपको समझ जाना है इंडिया वालों के लिए है। एफ आर हो फ्रांस, एन जे हो न्यूजीलैंड, यू के हो यूनाइटेड किंगडम, तो आपको समझ जाना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।